एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, टाटा कैपिटल और एमओसी कैंसर केयर फाउंडेशन की संयुक्त पहल से नई मेमोग्राफी वैन का उद्घाटन। मुंबई 7 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, टाटा कैपिटल और एमओसी कैंसर केयर फाउंडेशन ने एक संयुक्त प्रयास से एक नई मेमोग्राफी वैन की घोषणा की है। स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर का शीघ्र पता लगाने के उद्देश्य से निर्मित इस वैन में स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मौखिक कैंसर के स्क्रीनिंग परीक्षणों की सुविधा होगी। मेमोग्राफी वैन का उद्घाटन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मार्केटिंग और सीएसआर प्रमुख श्री रथीन लहिरी और टाटा कैपिटल के सस्टेनेबिलिटी और सीएसआर प्रमुख श्री श्रीधर सारथी ने किया। इस अवसर पर एमओसी कैंसर केयर फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर वशिष्ठ मनियार, डॉक्टर आशीष जोशी, डॉक्टर प्रीतम कटस्कर और डॉक्टर क्षितिज जोशी उपस्थित थे। परियोजना का लक्ष्य छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, हाशिए पर और वंचित समुदायों में नई मेमोग्राफी वैन के माध्यम से रियायती स्तन कैंसर की जांच प्रदान करना और स्तन कैंसर के देर से निदान के कारण होने वाली जान की हानि को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्तन कैंसर के मामले और उससे होने वाली मौतें सबसे ज्यादा हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मौखिक कैंसर के नए मामलों की संयुक्त घटना अन्य सभी कैंसर का 32% है। मेमोग्राफी वैन में एक मेमोग्राफी मशीन, ऑन्कोलॉजिस्ट की एक टीम, मशीन चलाने वाले तकनीशियन और नर्सें शामिल होंगी। ये वैन पूरे महाराष्ट्र में विशेषकर बार्शी, सतारा, सांगली, सोलापुर, मालेगांव, धुले, कराड, येवला और अन्य दूरदराज के इलाकों में स्तन कैंसर मेमोग्राफी स्क्रीनिंग करने जा रही है। एमओसी कैंसर केयर फाउंडेशन के ट्रस्टियों ने कहा, हमें इस सार्थक पहल पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और टाटा कैपिटल के साथ सहयोग करके खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य कैंसर का शीघ्र पता लगाना और जीवन बचाना है, विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरदराज के गांवों में वंचित समाज जो इससे पीड़ित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी और कैंसर की जाँच कराने के लिए संसाधनों की कमी है। तो हम लोग अपने परिवार में, हमारे दोस्तों में सभी को, किसी ना किसी को तो जानते हैं जिसको कैंसर हुआ है, और कैंसर एक साइलेंट किलर है, और कैंसर को ट्रीट करने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से और टाटा कैपिटल की तरफ से हमारा यही उद्देश्य है कि हम डिटेक्शन की ओर ध्यान दें। ऐसा एक फाउंडेशन जो एमओसी है, उनके साथ हमने टाई अप किया है, जो घर घर में जाके, पब्लिक के पास जाके कैंसर ट्रीटमेंट का क्योर निकाल सके। तो हम काफ़ी थैंकफुल हैं कि एमओसी फाउंडेशन, जो इस फील्ड में पहले काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ टाई अप करके कि लोगों का अर्ली डिटेक्शन कर सके और कैंसर का क्योरिंग में एड कर सके। सो ये हमारी एक यही कोशिश रही है कि हम कितना अंदर जा सके, रूरल इंडिया जो असली इंडिया है, गो देयर एंड स्क्रीन, जितने कोशिश करे वहाँ स्क्रीन करे। हमेशा कहा जाता है कि जो जब मैमोग्राफी जो होता है, मैमोग्राफी एक इंग्लिश में कहते हैं एक स्टिग्मा होता है, मेनी ऑफ द लेडीज़ जो है वुड नॉट लाइक टू गेट देमसेल्व्स चेक्ड, एंड कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेज इन द वर्ल्ड, एंड वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। काफ़ी मौत होती है और बिकॉज ऑफ कैंसर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे स्त्री, हमारे लेडीज़ को प्रोटेक्ट करें, एंड प्रोटेक्शन कैन ओनली बी डन बाय स्क्रीनिंग एट एन अर्लियर स्टेज। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है। तो इसलिए ये वैन, हमारी यही कोशिश है कि एसबीआई जनरल और हमारी, कि ये वैन अंदर जाए, रूरल एरिया में जाए एंड स्क्रीन करे एज मच लेडीज़ एज पॉसिबल। काफ़ी डॉक्टर हो गए इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड, जो कैंसर के लिए है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यही कोशिश होगी कि उन्हें बताया जाए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द क्योर इन केस दे आर बीन डिटेक्टेड। अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज गुड टू चेक टाइम एंड अगेन पीरियोडिकली ऑन द अपडेट ऑफ कैंसर। सो एक फाउंडेशन है, सो मिनिमल कॉस्ट तो होगा ही, लेकिन एट एन ओवरऑल लेवल
The objective is to get into those areas where people cannot afford treatment or cannot afford the screening charges. So it will be for the underprivileged, it will be free of cost, and there will be very minimal charges in terms of the overall screening. Surgery bhi hamari yahi koshish hogi, agar surgery ho, to get them back to places which can conduct the surgery at very, very minimal cost. But overall, it is for the poor at practically no cost, zero cost. तो देखिए, ये हम एक शुरुआत है और हम ये एक वैन से शुरू कर रहे हैं। यही वैन अगर दिन साल में पहले 200 दिन, फिर 250 दिन, फिर 300 दिन जाएंगे और हर दिन मान लीजिए 100-150 पेशेंट को डिटेक्ट का ट्रीट का डिटेक्शन कर सके, तो हमारा यही उद्देश्य है कि ये पहला स्टेप है। पहले एक वैन से शुरू करें, फिर आगे आगे जाते और सेंटर्स में और एक वैन करेंगे ताकि हम ये ट्रीटमेंट पेशेंट्स की ओर ले सकें। क्योंकि आजकल अगर आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, कोई भी वॉक इन करके कोई भी हॉस्पिटल्स में या सेंटर्स में जाके ये करा सकता है, पर फिर भी लोग कराते नहीं हैं। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। आप ये वैन को भी देखेंगे, बड़ा ही कलरफुल वैन है और वो जब रास्ते में भी जाएगा तो कोई भी सोचेगा कि यू नो कि ये हमारे एरिया में मौजूद है, यहाँ पे ही जाके हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, स्क्रीनिंग करा सकते हैं। और जैसे पहले कहा गया है कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू क्योर कैंसर, तो यही मेन चीज़ है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को पहले स्टेज में अगर पकड़ लें तो फुली क्योरेबल है, और लेट स्टेज में पकड़ेंगे तो उससे यू नो फैमिलीज में बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। सो आई थिंक मेरा सिर्फ एक ही मैसेज होगा कि ये जो है, जो हमारे माँ होते हैं, हमारे वाइफ होते हैं, वही फैमिली का मतलब फाउंडेशन है, वही जो एक है जो फैमिली को एक साथ रखता है। और आज के तारीख में ब्रेस्ट कैंसर में या और तरह तरह के कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर, वो सब में आप देखेंगे कि एक स्टिग्मा है कि कोई लेडीज़ को पता भी होता है कि शायद कुछ गलत है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करते हैं, वो जाके कोई डॉक्टर के पास जाने के लिए झिझकते हैं। तो मेरा एक ही मैसेज होगा कि अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, जाके पहले एक स्क्रीनिंग करा लीजिए, एक चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अर्ली चेकअप से ही आप क्योर हो सकते हैं। मेरा यही कहना है कि हमारे देश में, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर लेडीज़ आर द एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ, जो कहा जाता है कि वो शक्ति जो है हमारी माँ, बहन, बेटी, वाइफ से मिलता है, मोर ऑफन देन नॉट वो अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर लेते हैं, वेदर इट इज़ कैंसर केयर और एनी अदर हेल्थ केयर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इनिशिएटिव के थ्रू, जहाँ एक्सपर्टीज़ है MOC फाउंडेशन के थ्रू, जाए हम उनको स्क्रीन करें, टेस्ट करें और पता करें कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव। इट पॉजिटिव है, इट डजेंट मीन उनको वरी करना है, देर इज़ ऑलवेज अ क्योर। हाँ, एक क्योर होता है उसी लिए, तो बट इट इज़ बेटर टू गेट ट्रीटेड। तो वही हमारी ये कोशिश है, यही हमारे प्रयत्न होगी। सो MOC फाउंडेशन की ओर से हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि स्तन का कर्क रोग और गर्भ के मुख का यानी सर्वाइकल कैंसर का जो कर्क रोग रहता है, वो अगर सही समय पे पकड़ में आ गया, निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गया, तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका और बाकी देशों में 100 में से 90 लोग ये बीमारी से ठीक हो सकते हैं, तो भारत देश में क्यों 100 में से 60 लोग ही ठीक होते हैं? उसका शायद सबसे बड़ा कारण है निदान लेट होना। दूसरे तीसरे स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर भारत में पाए जाते हैं। पहले स्टेज के कैंसर का डायग्नोसिस बहुत ही रेयर या अनकॉमन होता है। सोसाइटी शायद आज भी हमारी तैयार नहीं है कि हम खुद से जाके अस्पतालों में या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके खुद का चेकअप कराएं। तो इसीलिए हमारा ये एक प्रोसेस और ये हमारी एक कोशिश है कि हम लोगों के घर घरों में जाके, कम्युनिटी में जाके ये सारी निदान की सेवाएं लोगों को अर्पित करें, जिससे स्तन का कर्क रोग और सर्वाइकल कैंसर का कर्क रोग हम पहले से पहले स्टेज में डायग्नोसिस कर पाए और उनकी
सही समय पे सारवार हो जिससे वो बहुत ही जल्दी रोग मुक्त हो जाए। तो ये एक एमओसी फाउंडेशन का एक छोटा सा प्रयास है सोसाइटी को वापस देने के लिए। जैसे कि आपने अगर देखा तो पूरे भारतवर्ष में पूरे एक स्त्रियों का जो अनुमान किया गया तो उसमें सिर्फ 1.9% स्त्रियों ने ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराई थी, ये बहुत कम नंबर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रयास से, जैसे कि ये मैमोग्राफी वैन है उसमें से जो मैमोग्राफी तपास है जिसे ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ही अर्ली स्टेज में उसके तपास डायग्नोसिस हो सकता है, और सर्वाइकल पैप स्मियर कि जिसकी वजह से जो गर्भाशय के मुख का कैंसर है जो अर्ली डिटेक्ट हो सकता है उसका तपास हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 1.9% का नंबर है उसको कई गुना बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाए तो ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि ये जो स्क्रीनिंग से ये हम करने के बाद मृत्यु का जो दर है वो अराउंड 41% कम हो सकता है, और जो सीरियस टाइप के एडवांस कैंसर का जो डिटेक्शन है वो भी 25% कम हो सकता है। तो ये बहुत बड़े नंबर है, सिर्फ हमें लोगों तक पहुंचना है, और जो हम कोशिश कर रहे हैं एक छोटी सी कोशिश है लेकिन हम सोचते हैं कि ये जस्ट शुरुआत है, जिसमें हम बहुत सारे जगहों के ऊपर, सिर्फ मुंबई में ही नहीं तो हमारे जो सेंटर MOC के मुंबई के बाहर भी है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भी ये वैन के जरिए ये सारे स्क्रीनिंग के तपास हम कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए, जिसके वजह से ज़्यादा कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और उनकी जानें बच सके। डॉक्टर भास्कर, मैं डॉक्टर भास्कर शाह गुगारी समाज की तरफ से इतना ही बता सकता हूँ कि हम बहुत ही नसीब वाले हैं कि हमारे एक समाज के लोगों को ये अर्ली डायग्नोसिस की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और दैट्स एक्सट्रीमली गुड। नाउ जैसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल फील्ड में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे कैंसर के फील्ड में बोलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ मच बेटर देन डिलेड डायग्नोसिस। उसकी वजह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे जितना जल्दी निदान होता है उतनी आयुष्य बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन कम होती है। इसलिए ऑल आई विल से इज़ वी आर वेरी फॉर्चुनेट एज गोगारी समाज कि हमें ये सुविधा मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज विवेश के MOC ऐसी अनेक मेमो वैन अक्रॉस महाराष्ट्र एंड देन अक्रॉस द कंट्री डाले और लोगों की सेवा के करे, ऐसी हमारी खूब खूब उम्मीद है। श्री घाटकोबर गोगारी विश्वश्रीमणि जैन समाज डॉक्टर वशिष्ठ मणियार ना सहयोग थी एक ये अपने को कैंसर के लिए स्पेशल हमारा चांस मिला है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग वेरी वेरी थैंक्स। और गोगारी समाज ऐसे मेडिकल का बहुत सारा काम करते हैं घाटकोबर गोगारी विश्वश्रीमणि, जैसे कि पैथोलॉजी है, एक्सरे है वगैरह, सब एकदम कम से कम डिस्काउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में करा के देख लेते हैं, और कई कई चीज़ ऐसी है कि जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करा के देते हैं। इसके लिए हमारा ये डॉक्टर भास्कर भाई जो है गोगारी समाज का हमारा मेन है, और वशिष्ठ मणियार सर हमेशा हम लोग को जब भी ज़रूरत पड़ा है एनी टाइम हमको सपोर्ट किया है, एनी टाइम कभी भी। थैंक यू वशिष्ठ मणियार सर और डॉक्टर भास्कर सर और डॉक्टर सुतीश।